Assalamualaikum, Welcome back to my channel. आप देख रहे हैं हरम फूड्स एंड व्लॉग्स। तो आज हम आए हैं हमेशा की तरह एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हमारे किचन में बनेगा शवारमा सैंडविच पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी। आप देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी लग रहा है। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लेंगे एक पैन, और पैन में 3-4 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद हम 1 टेबलस्पून जो है अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक को हल्का सा सौते कर लेंगे, और उसके फौरन बाद ही हम ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, छोटा छोटा काट लिया है, और ये 250 ग्राम्स है। तो इसको भी हम लोग भून लेंगे और कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देख लीजिए कि चिकन का कलर चेंज हो गया है और ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब जो है हम इसके अंदर सॉसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून के करीब ही सोया सॉस ऐड की है मैंने। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले देख लीजिए कि मैं 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड करूँगी इसमें। तो 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स धड़ा मिर्च, और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा रेड पेपर काली मिर्च पिसी हुई। अब जो है मैं इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। याद रखिएगा कि इसके अंदर सिर्फ चिकन टिक्का मसाला ही ऐड करना है आपने। तो 2 टीस्पून जो है मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए। मिक्स कर लेंगे। आपने आंच को बिल्कुल धीमी रखना है ताकि गोश्त जो है अंदर तक गल जाए चिकन जो है। अब थोड़ा सा जो है मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। बिल्कुल थोड़ा सा देख लीजिए कि मैंने पानी इसमें ऐड किया है ताकि मैं 5 मिनट के लिए इसको दम दे सकूं। तो ये देख लीजिए कि 5 मिनट हो चुके हैं और ये गोश्त चिकन जो है हमारा ये गल चुका है। ये देख लीजिए इस तरह से। तो अब जो है हम स्टोव को ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो शवारमा सैंडविच पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो अब हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चिकन हमारा हो गया है रेडी, चिकन टिक्का जो हमने अभी बनाया है। अब हमें चाहिए ये पीटा ब्रेड। ये मैंने डॉन की शवारमा पीटा ब्रेड ली है। ओरिगानो पाउडर, लीव्स, चीज़, चिली सॉस, केचप और मायो। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है पिज़्ज़ा पैन। पिज़्ज़ा पैन को मैंने कर लिया है ग्रीस ऑयल से। अब जो है हम इसके ऊपर रखेंगे पीटा ब्रेड, शवारमा ब्रेड। 1 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर केचप डाल दी है, चिली सॉस, केचप। इसको इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब जो हमने चिकन बनाया था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। इस तरह से चिकन स्प्रेड करने के बाद अब हम इसके अंदर मायोस ऐड करेंगे। अब इसको मेयोनेज़ डालने के बाद हमने दूसरी पीटा ब्रेड के ऊपर भी इस तरह से केचप लगा दी है, और अब हम इसके ऊपर ऐसे सैंडविच की तरह रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब हमने चीज़ ऐड करनी है ग्रेटेड। हमने
अब हम थोड़े से चिली फ्लेक्स इसके ऊपर ऐड करेंगे। आप चाहें तो ये डाल सकें, ऑप्शनल है ये, वैसे ही खूबसूरती के लिए मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। ऑरिगानो ऐड कर रही हूँ मैं इस पर, ब्लैक ऑलिव्स लगाऊंगी मैं इसके ऊपर खूबसूरती के लिए, ताकि पिज़्ज़े वाली लुक आए इसके ऊपर। पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए पहले ही छोड़ दिया था, तो पतीले में मैंने नमक बिछा के स्टैंड रखा है और स्टैंड के ऊपर अब मैं ये रखूँगी 10 टू 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि सिर्फ हमने चीज़ ही पिघलानी है। तो ये देखें जी, हमारा शवारमा सैंडविच पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। और आप ये देखें कि इसका कितना खूबसूरत कलर आया है, और ये मैंने पतीले में बेक किया है। अब हम इसको कट करके दिखाते हैं आपको, और आपको मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो ये देखें जी, अंदर तक कुक्ड है और ये कितना चीज़ी है, और ये साइड्स देख लीजिए, इसका बिल्कुल सैंडविच की तरह अंदर पैक है। अच्छी तरह से ये कुक्ड है। अब हम आपको सेकंड बनाना बताते हैं, बना के सेकंड शवारमा जो हमने बनाया है सैंडविच पिज़्ज़ा, ये वो है। इसको भी कट करके दिखाते हैं आपको। ये देख लीजिए, ये भी कितना चीज़ी है और टेस्टी है, ब्राउन हुआ है इतना अच्छा। अच्छा ले, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा।